वेलकम देसी खाना। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन स्टेक्स, तो शुरू करते हैं। इसमें मेरे पास चिकन ब्रेस्ट हैं, ये तो मेरे पास दो हैं क्वांटिटी में। इनको मैंने बीच में से ऐसे कट करके दो स्लाइसेस में मैंने इस तरह रख लिया, इनको काट लिया है। अब मैं एक ब्रेस्ट उठाऊँगा और इसको मैं हैमरिंग से सॉफ्ट करूँगा। एक साइड के बाद मैं इसको दूसरी साइड पर करूँगा इसी तरह। इसी तरह मैं बाकी के ब्रेस्ट पीस हैं उनको भी मैं इस तरीके से सॉफ्ट कर लूँगा। चिकन ब्रेस्ट हमारी हैमर हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर आधी चाय का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस एक खाने का चम्मच और टोमेटो केचप एक खाने का चम्मच। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। अब मैं इसमें एक टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगा, उसको दोबारा मिक्स करूँगा। ऑयल ऐड कर दिए, अब मैं इसको दोबारा मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगा, फिर इसको मैं बेकिंग प्रोसेस में लेके जाऊंगा। चिकन हमारा बेहतरीन किस्म का मैरिनेट हो चुका हुआ है। अब मैं इसको एक एक करके नॉन स्टिक पैन में रखूंगा ताकि इसको बेक कर सकूं। घर में ओवन नहीं है तो आप तवे के ऊपर इसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल उस पर रखें, उसको गर्म करके जो स्टेक्स हमने बनाए हैं इसको आराम से आप ऐसे रख दें और आप इसको हल्की आंच पर फ्राई कर सकते हैं। इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही फ्लेवर आएगा। देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे चिकन स्टेक्स बिल्कुल रेडी हैं। ये जो दो पीस हैं ये मैंने ओवन में बेक किए हैं और ये जो छोटे पीस हैं ये मैंने तवे पे आपके सामने मैंने फ्राई किए थे। आप देख सकते हैं इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना अपने घर लोगों का अपने दोस्तों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।